पति अनिल सक्सेना मिसिंग है। कब से? आज से। वो अभी तक घर नहीं आए। देखिए अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं। कहीं काम में फंस गए होंगे, आ जाएंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। वो कभी देर से घर नहीं आते, हमेशा 8:30 बजे तक आ जाते हैं और 9 बजे तक खाना खाना उनका नियम है। और अगर कभी देर हो जाए तो हमेशा इन्फॉर्म कर देते हैं। पर आज बाय द वे मिस्टर अनिल सक्सेना काम क्या करते हैं? ही इज एन एडवोकेट टू द हाई कोर्ट। और आप? आई एम मनोज श्रीवास्तव, उनका ऑफिस एसोसिएट। आई एम हिज जूनियर लॉयर। वो 2 बजे तक तो दोपहर में मेरे साथ थे। और फिर उसके बाद उनकी मीटिंग थी, वो फौरन चले गए। लेकिन वो वहां भी नहीं पहुंचे। जहां जहां उनकी मीटिंग थी मैंने सब जगह फोन कर लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं है। और दोपहर से उनका मोबाइल भी ऑफ है। पता नहीं वो कहां चले गए। बाय द वे उनकी कार का नंबर क्या है? वो आज टैक्सी से गए हैं। हमारी कार गैराज में है। डोंट वरी मिसेस सक्सेना, इतनी जल्दी उन्हें लापता समझ लेना ये ठीक नहीं होगा। हो सकता है किसी काम में फंस गए हो, या फिर भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया हो। देखिए आपके पास अगर उनकी कोई तस्वीर हो तो आप हमें दे दीजिए। जी, ये लीजिए। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कल सुबह तक इन्हें हम खोज निकालें। फिर भी अगर इस बीच आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आप हमें जरूर बताइएगा। जी। कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो किया होता भाभी। भैया कल रात से गायब है और मुझे सुबह पता चलता, वो भी किसी और से। मैंने आपके घर फोन किया था लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। और वैसे भी उनका आपके घर जाना, जानता हूँ पॉसिबल नहीं था। वो मुझे पसंद जो नहीं करते थे, मेरे घर नहीं आने की कसम जो खा रखी थी उन्होंने। लेकिन कम से कम आप तो मुझे इन्फॉर्म कर सकती थी। आपने भी मुझे गैर समझ लिया। खैर, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा एक्साइट हो गया। देखिए भाभी आप घबराइए नहीं, सब ठीक ठाक हो जाएगा। आई एम श्योर भैया सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। वैसे पुलिस ने क्या बताया, कुछ पता चला? पुलिस क्या करेगी? पुलिस बहुत कुछ करेगी। पुलिस अपना काम करती आई है और करती रहेगी। मिस्टर रवि सक्सेना, अनिल सक्सेना के छोटे भाई, और दोनों भाइयों में पट्टी नहीं। कैसा लगा पुलिस का काम? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरे पति के बारे में? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। हमने तमाम हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशन में पता लगाया है, आपके पति के नाम और शक्ल का कोई आदमी सुबह तक तो नहीं आया। वैसे एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि अक्सर पुलिस स्टेशन्स और हॉस्पिटल्स में एक्सीडेंट और मर्डर केसेस ही आते हैं। लेकिन आई अश्योर यू, बहुत जल्द हम आपके पति के बारे में पता लगा लेंगे। लेकिन कब? 24 घंटे हो गए उन्हें लापता हुए, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उनका अपहरण किया हो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हो सकता है आपके भाई को किसी ने किडनैप कर लिया। लेकिन अगर किसी ने किडनैप किया है तो कोई मांग होनी चाहिए। हाँ वो तो होगी, लेकिन अब तक किसी का फोन नहीं आया, क्यों भाभी? लेकिन अगर उन लोगों का फिरौती के लिए कोई फोन आए, कोई डिमांड आए, कोई मांग आए, तो क्या हमें पूरी कर देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल दे देनी चाहिए। जान है तो जहान है ना भाभी? मैं कुछ नहीं जानती,
मुझे मेरा पति चाहिए सही सलामत बस। आप बिल्कुल फिक्र ना करें मिसेस सक्सेना, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। श्रीवास्तव टेलीफोन एक्सचेंज फोन करो और इस घर के सारे फोन टैप करवाओ, यहां पर दो हवलदार तैनात कर दो। ओके सर। मिसेस सक्सेना एक बात बताइए कि आपको खास तौर से किसी पे कोई शक है? ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले एक आदमी आया था उनसे मिलने। अरे कि इतनी जोर जोर से दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मैं देखती हूँ। तुम रुको, मैं देखता हूँ कौन है। क्या रे श्याणे, अपन की रोटी छीन कर तू खुद का पेट भर रहा है क्या? देखो रंजीत, ये मेरा घर है ऑफिस नहीं, और ऑफिस की बातें मैं घर पर नहीं करता। जो जमीन तू अपन से छीनने की कोशिश कर रहा है ना, अपन उस पर सालों से बैठला है क्या? देखो वो जमीन कपूर की है और तुम उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हो, और मैं वो जमीन मिस्टर कपूर को दिलवा कर रहूंगा। तो एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर वो जमीन अपुन से किसी ने भी छीनने की कोशिश की तो अपुन अपनी जान दे देगा, और अगर अपुन की जान गई तो फिर अपुन किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये तो मुझे धमकी दे रहे हो। धमकी नहीं, ये रंजीत का चैलेंज है, रंजीत का। जा अब खाना खा। काफी गुस्से में था रंजीत। श्रीवास्तव मुझे वो रंजीत चाहिए। भाई को खाली पीली में अपुन पे शक कर रहा है साहब, अब धमकी का मतलब ये तो नहीं माना साहब कि अपुन ने उसका मर्डर कर दिया ला। अरे अपुन उसको गुस्से में बोल दिया ला था साहब। रंजीत पुलिस को झूठ बोलोगे काम से जाओगे, तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। भाई को टाइम खोड़ी कर रहा है साहब, आपने अपन को इधर में गड़े मुर्दे उखाड़ने को बुलाया था क्या? नहीं ना, तो फिर काम की बात करो साहब। और काम की बात यह है कि अपन के पास बहुत काम है, अपन बहुत बिजी है। और एक बात और साहब, आप अपुन को जब भी इधर में बुलाना तो विद प्रूफ के बुलाना, समझा क्या? चलता है अपुन। या व्हाट, वो बैग वो कोट कहाँ? ठीक है पहुंचता हूं मैं। लगता है साहब आपका काम हो गया है। अच्छा साहब अपुन चलता है, सलाम साहब। काम तो मेरा हो गया लेकिन नाम मेरा क्या है भूलना नहीं। इंस्पेक्टर भारत। जा बहुत बिजी है ना तू, जा। एक्सक्यूज मी, अभी आप इन चीजों को हाथ नहीं लगा सकते, प्लीज आप इधर आ जाइए।
मिस्टर सक्सेना का ये चश्मा, मोबाइल, ब्रीफकेस, ये कोट यहाँ मिला है, ये साबित करता है कि मिस्टर सक्सेना यहाँ इस बिल्डिंग में आए थे। मिस्टर मनोज, आप बताइए कि यहाँ मिस्टर सक्सेना की इस बिल्डिंग में कोई अपॉइंटमेंट थी, वो यहाँ किसी से मिलने आए थे? As far as my knowledge is concerned, यहाँ तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी उनकी। श्रीवास्तव, इस बिल्डिंग में कितने ऑफिसेज हैं? सर, 16 ऑफिसेज इस बिल्डिंग में। हाँ, और कुछ? सर, ये भी पता चला है कि कल यानी कि 12 मई को मिस्टर सक्सेना यहाँ आए थे। यहाँ के रजिस्टर में इस बात की एंट्री भी है सर, लेकिन एग्जिट नहीं है। जबकि यहाँ के सिक्योरिटी वाले बिना साइन के ना तो किसी को आने देते हैं और ना ही जाने देते हैं। श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, इस पूरी बिल्डिंग की तलाशी लो और पता लगाओ कि मिस्टर सक्सेना के मोबाइल से कितने फोन किए गए थे और कितने फोन आए थे। चीजों की शनाख्त हो गई है और अब हमें कार्रवाई करनी है। आप लोग सब अपने घर में जा सकते हो। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। After you. जी बोलिए। ऑफिसर, यहाँ इस बिल्डिंग में सक्सेना साहब के क्लाइंट का ऑफिस है, हो सकता है वो उनसे मिलने आए हो। क्या नाम है उनका? कविता गांधी। एक्चुअली मिस्टर सक्सेना और कविता के काफी करीबी ताल्लुकात हैं। कोई जुर्म किया है मैंने? जहां तक मैं जानती हूं, किसी से संबंध रखना या तोड़ना कोई जुर्म नहीं है। लाइट को भी अभी जाना था। घबराइए मत कविता जी, हम बिजली साथ लिए घूमते हैं, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। इंस्पेक्टर भारत, मिस्टर सक्सेना आए थे मेरे पास, कल की बात है, यही मेरे सामने बैठे थे। बहुत ही इमोशनल आदमी है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती कविता। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? तुम्हारी कौन सी ऐसी बात है जो मैंने नहीं मानी और तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? अगर मेरी गलती क्या है? प्यार करना ही बहुत बड़ी गलती है मिस्टर सक्सेना। देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल औरत हूं, प्यार मोहब्बत के लिए कम से कम मेरी जिंदगी में तो कोई जगह नहीं। तो वो सब क्या था? मेरे साथ इतने दिन इधर उधर घूमना, वो सब क्या था कविता? जरूरत, मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी, और मुझे लगता है कि मैंने उसमें कोई बेईमानी नहीं की। एम आई राइट मिस्टर सक्सेना? ओह हाय शकील, यू सो लेट डार्लिंग। सॉरी डार्लिंग, ट्रैफिक में फंस गया था। हे, हु इज ही? मिस्टर सक्सेना, देखिए हमें बहुत जरूरी काम है, वुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस। इधर आइए जरा, मुझे लगता है आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती। हमें बहुत जरूरी काम है, हमें बाहर जाना है, आप यहाँ से तशरीफ ले जाए। तुम मेरे साथ ये अच्छा नहीं करी। तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कत्ल के इल्जाम से बचाया था। No big deal. और अगर मैं चाहूं तो उसी कत्ल के इल्जाम में तुम्हें दोबारा फंसा सकता हूं। Don't laugh. Just try to understand what I say and I mean it. और फिर वो चले गए। अब ऑफिस के बाहर क्या हुआ है ये मैं क्या जानू? मुझे तो अब आपके कहने से पता चला है कि वो मिसिंग है। तो कविता जी, आपको ये भी पता होगा कि आपके ऑफिस की सीढ़ियों के नीचे मिस्टर सक्सेना का कोट और उनका ब्रीफकेस बरामद हुआ है।
इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उन्हें, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान थे। थे? थे, मेरा मतलब है, हो सकता है कि उन्होंने आत्महत्या की हो। मेरा मतलब ये तो नहीं था। ऐसा है कविता जी कि आपका मतलब अगर नहीं भी था और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो इल्जाम इस बार आप ही पे आएगा और इस बार आप बच नहीं पाएंगे। एंड आई मीन इट। लिफ्ट रूम में से एक आदमी की बॉडी मिली। ये लिफ्ट रूम बंद ही रहता है सर। आज लिफ्ट का प्रॉब्लम हुआ बिल्डिंग में, तो मैकेनिक आया और उसने ही बॉडी दिखाई। श्रीवास्तव जरा बॉडी को सीधा करो। मिस्टर सक्सेना राणे, यस सर, एम्बुलेंस लेके बॉडी को ले जाने का बंदोबस्त करो। श्रीवास्तव ये कातिल बहुत ही शातिर खिलाड़ी लगता है। यह हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है श्रीवास्तव। ये हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। इसने ब्रीफ केस और कोट एक जगह रखे हैं, लाश दूसरी जगह प्लांट कर दी है। लेकिन सर ऐसा कौन कर सकता है? गुनहगार को हम जानते हैं श्रीवास्तव, और उनसे मिल भी चुके हैं। और वो है कौन? यही तो पता लगाना है श्रीवास्तव, यही तो पता लगाना है। ये बहुत जल्द पता लग जाएगा। तो एक काम करो श्रीवास्तव, हमने जिन जिन लोगों को इंटरोगेट किया है उन लोगों को फिर से मेरे सामने लाओ। राइट फ्रॉम मिसेस सक्सेना टू मिस कविता गांधी ऑल। मिस्टर सक्सेना के बारे में पता चल चुका है। क्या? कहाँ है वो? वो कहाँ मिले आपको? वो नहीं, उनकी बॉडी मिली। मिस्टर सक्सेना, मिस्टर सक्सेना की बॉडी के अंदर किसी ने जहर भरा इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। जब वो ऑफिस से बाहर आ रहे थे, कविता जी के ऑफिस से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए। वो है कहाँ? वो इस वक्त अस्पताल में, उनकी बॉडी अस्पताल में है और जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती उनसे कोई नहीं मिल सकता। आप सब में से भी कोई नहीं। क्यों?
क्योंकि मुझे शक है कि आप लोगों में से ही कोई कातिल है। क्या हम लोगों में से? जी हाँ, इसमें इतना चौंकने की क्या जरूरत है कविता जी? आप सब लोगों के पास कोई ना कोई वजह थी उनका कत्ल करने की। सब? इन सब में तो मैं भी आती हूँ। आप मुझ पर भी शक कर रहे हैं? डोंट गेट टू एक्साइटेड एंड डोंट गेट टू इमोशनल मिसेस सक्सेना। कानून सबको एक ही निगाह से देखता है मिसेस सक्सेना, चाहे वो माशूका हो चाहे वो पत्नी हो। लेकिन मैं क्यों मारूंगी अपने पति को? इल्जाम लगाने से पहले आपको कुछ सोचना चाहिए। हर पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, और फिर मैंने तो अपना पत्नी का धर्म इतने अच्छे से निभाया है, मैं क्यों मारूंगी अपने पति को? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं? कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके पति के किसी और के साथ संबंध हो। इंस्पेक्टर, चौंकिए नहीं मिसेस सक्सेना, आप तो भली भांति जानती है ना कि आपके पति और कविता जी के बीच में किस किस्म के संबंध थे। और आप तो बहुत बोल्ड हैं, दुनिया से बिल्कुल डरती नहीं है ना कविता जी? आप तो बॉयफ्रेंड बिल्कुल कपड़ों की तरह बदलती हैं, लेकिन अगर कोई कपड़ा शरीर से चिपकने लग जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना कविता जी? मेरा मतलब है कि कोई प्रेमी अगर गले ही पड़ जाए तो तकलीफ होती है ना कविता जी? और ये मिस्टर सक्सेना तो बिल्कुल आपके गले ही पड़ गए थे, ये तो एक ऐसा कांटा बन गए थे जो ना निगले बनता है ना उगले बनता है। अब बिना उगले ये मिस्टर शकील जो है आपकी जिंदगी में दाखिल हो ही नहीं सकते थे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मिस्टर शकील? जब आपने मिस्टर सक्सेना को अपनी जिंदगी से निकलने के लिए कहा तो मिस्टर सक्सेना ने आपको धमकी दी कि जिस मर्डर केस में उन्होंने आपको बाइज्जत बरी करवाने में मदद की थी वो आपको फिर से फंसा देंगे। मैं ठीक कह रहा हूं? यही कहा था ना मिस्टर सक्सेना ने? लेकिन मैं उनका खून कैसे कर सकती हूँ? ठीक वैसे ही कविता जी जैसे आपने अपने पहले पति का खून किया था। ये मैं नहीं, लोग कहते हैं। आप बताइए मिस्टर शकील, जिस दिन मिस्टर सक्सेना का खून हुआ आप भी कविता जी के ऑफिस में मौजूद थे ना? जी हाँ, पर देखिए ना, लाश को फ्यूज रूम तक लेके जाना, वो बैग और कोट को संभाल के सीढ़ियों के नीचे तक रखना, ये एक अकेली कविता जी कैसे कर सकती हैं? लेकिन एक बात समझ नहीं आया इंस्पेक्टर भारत, अपनी ऑफिस की सीढ़ियों के नीचे ये सामान क्यों रखेंगे? मतलब कत्ल करके कोई सबूत घर में क्यों रखेगा? नहीं रखता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन कोई कत्ल करके सामान दूसरे के ऑफिस के नीचे तो रख ही सकता है ना? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूं मिस्टर रवि सक्सेना, हो सकता है मिस्टर सक्सेना को किसी ने मारा होगा कविता के ऑफिस के बाहर, वो जहर भरा इंजेक्शन उनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया होगा, उनके हाथ में जो कोट और बैग होता है वो सीढ़ियों के नीचे रख दिया होगा और उनकी लाश को फ्यूज रूम में छुपा दिया होगा। ऐसे ही कुछ किया था ना आपने? मैंने कुछ नहीं किया। मैं भैया का कत्ल क्यों करने लगा? मैं तो उनसे मिला ही नहीं, हमारी तो बातचीत कई महीनों से बंद है। तो फिर आपने उस दिन उनको मोबाइल क्यों किया? मैंने कब फोन किया था उन्हें? 12 मई को। ये देखिए, इस पर आपका फोन नंबर मौजूद है मिस्टर रवि सक्सेना। आपने जिस दिन मिस्टर सक्सेना गायब हुए उस दिन उनको मोबाइल किया, उन्होंने आपका मोबाइल अवॉइड किया क्योंकि आपके पैसे मांगने की जो आदत है उनको अच्छी नहीं लगती। आपको चूंकि पैसों की जरूरत थी आपने उनका पीछा किया, सड़क पे उनको पकड़ा, उनसे पैसे मांगे, उन्होंने फिर भी रिफ्यूज किया, आपने फिर उनका पीछा किया। जब वो रॉयल हाउस के अंदर गए आप किसी और नाम से रॉयल हाउस के अंदर गए, आपने इंतजार किया, जब वो कविता के ऑफिस के बाहर आए तो आपने इंजेक्शन के जरिए उनके अंदर वो जहर भर दिया जो
नफरत की शक्ल में आपकी रगों में दौड़ रहा है। मैंने खून नहीं किया इंस्पेक्टर भारत, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, मैं भैया से जरूर मिला था, लेकिन रॉयल हाउस पर नहीं, उनके ऑफिस के बाहर जब वो टैक्सी में बैठ रहे थे। हाँ मिस्टर वर्मा, आपके केस की डेट कल ही है, आप पहुंच जाइएगा, मैं बाद में फोन करता हूँ। भैया तुम क्यों आए हो यहाँ? भैया आप घर पे आने को मना करते हैं, फोन पे भी बात नहीं करते, इसलिए मैं। देखो तुम्हारी अयाशियों पर उड़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं है। पिताजी की दौलत से जो तुम्हारा हिस्सा बनता था वो तुम्हें मिल चुका है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। देखिए भैया मैं एक नया कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं। ऐसी बातें कहकर पहले भी तुम कई बार मेरे से पैसे ऐंठ चुके हो, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं भैया ये आखिरी चांस है, इस बार सिर्फ 1,00,000 रुपये दे दीजिए, आइंदा से कभी नहीं मांगूंगा। सिर्फ 1,00,000? हाँ। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी? चलो ड्राइवर भैया, भैया मेरी बात तो सुन लीजिए भैया, भैया प्लीज भैया। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम मिस्टर रवि सक्सेना। तुम्हें पता था कि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं है, और उनको मारने के बाद फिर भाभी को मारना तो बहुत आसान, और उसके बाद करोड़ों की संपत्ति तुम्हारी। मैं ठीक कह रहा हूं ना मिस्टर रवि सक्सेना? नहीं झूठ तो आप बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। भाभी नहीं, भाभी नहीं, मैंने भैया का खून नहीं किया। आप इंस्पेक्टर की बात पे मत जाना, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो भैया को अपनी जान से ज्यादा चाहता था, मैंने खून नहीं किया। क्यों रंजीत साहब आपके क्या ख्याल हैं? झूठ, एकदम झूठ बोल रहा है साहब ये। अपन को तो लगता है कि ये कत्ल इसने किया है, पर हमें तो ये लगता है कि ये कत्ल आपने किया है। देखिए साहब आप फिर बिना सबूत के अपन पर इल्जाम लगा रहे हैं क्या? पहले इल्जाम लगाऊंगा बाद में सबूत। वो 5 करोड़ की जमीन है ना रंजीत साहब जिस पर आप बैठे हैं, जिस पर आपने कब्जा किया हुआ है। अगर मिस्टर सक्सेना जिंदा होते तो ये केस आप हार चुके होते, और आपका तो रिकॉर्ड भी थोड़ा गड़बड़ है। मैं ठीक कह रहा हूं ना मिस्टर मनोज? हाँ, मैं क्या कह सकता हूं इस बारे में। आप तो मिस्टर सक्सेना से जूनियर थे ना? और अब उनकी मौत के बाद आप सीनियर हो गए। वैसे मिस्टर मनोज मैंने अक्सर ये सुना है कि कामयाबी हासिल करने के लिए लोग कोई भी रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, ठीक कह रहा हूँ ना मिस्टर मनोज? लुक, आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप इस तरह से हमें हरास करें। दिस कांट वेस्ट माय टाइम एनी मोर, आई एम सॉरी। मैंने ही आप लोगों को यहाँ पर बुलाया, और जब तक मैं नहीं कहूँगा यहाँ से कोई नहीं जाएगा। Excuse me. Yes, just hold on. Sir, hospital se phone. Yeah. What? Excellent. मैं अभी आता हूँ वहाँ। मिस्टर सक्सेना जिंदा है। मिस्टर सक्सेना की बॉडी में किसी ने जहर भरा इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया है। जहर मामूली था, उनकी नर्वस सिस्टम जैम हो गई, लेकिन उनकी जान बच गई। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अभी नहीं, अभी वो पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। 2 दिन बेहोश रहने के बाद उनकी तबीयत अभी ठीक लग रही है। शुक्र मनाइए भगवान का कि आपने पिछले जन्म में कोई जरूर कोई पुण्य किए होंगे तो आपके हस्बैंड की जान बच गई। और अब बहुत जल्द उन्हें होश आ जाएगा, और होश आते ही वो हमको बताएंगे कि किसने उनकी जान लेने की कोशिश की। मैं
मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं आप मनोज साहब? उसे जिसे आप पहले से ही मार चुके हैं। एक मिनट, मैंने तो सिर्फ चाल चली थी कातिल तक पहुंचने के लिए। सक्सेना साहब तो उसी दिन मर गए थे मनोज साहब, जिस दिन आपने उन्हें जहर भरा इंजेक्शन दिया था। आपने दिया था ना मिस्टर सक्सेना को वो जहर भरा इंजेक्शन? मिस्टर मनोज, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप सीधे सीधे बताएंगे या? सक्सेना साहब का खून मैंने ही किया है, उन्हें जहर भरा इंजेक्शन मैंने ही दिया। उस रोज जब वो कविता की ऑफिस से बाहर निकले। समझती क्या है अपने आप को? मुझे ठुकराया इसको कि इसकी साथ यहां क्या कर रहे हो तुम? ये लिफ्ट ऊपर क्यों जा रहा है? और तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया कि तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? सर, आपसे थोड़ा काम था, जरूरी काम। अरे जरूरी काम था तो ऑफिस में वेट कर सकते थे, यहां आने की क्या जरूरत? और ये क्या छुपा रहे हो तुम? क्या है तुम्हारे हाथ में? ये किस लिए? आपके लिए सर, सिर्फ आपके लिए। Goodbye, Mr. Saxena. और फिर ब्रीफ केस, कोट, चश्मा और मोबाइल आपने सीढ़ियों के नीचे फेंक दिया ताकि शक कविता जी पे चला जाए, है ना? लाश को आपने लिफ्ट रूम में रख दिया क्योंकि वहां पर ज्यादा कोई आता जाता नहीं। आप अच्छी तरह जानते थे कि जहर का असर थोड़ी देर बाद होता है, इसलिए आप वो लाश को लिफ्ट में कैसे छोड़ सकते थे? लेकिन सर, इसने ऐसा किया क्यों? बताता हूं श्रीवास्तव। इश्क, मोहब्बत, प्यार, मुझे यहां क्यों बुलाया है? ऐसा बोलिए रश्मि जी, थोड़ा धीरे बोलिए। ऐसी हालत में औरत को जोर से बोलना नहीं चाहिए, बच्चे पे क्या गुजरेगी? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं मिसेस रश्मि सक्सेना, हकीकत बयां कर रहा हूं मैं। ये रिपोर्ट देखिए, डॉक्टर मेहता की रिपोर्ट, गायनेकोलॉजिस्ट है। आपके घर में इनका विजिटिंग कार्ड भी मिला है, इनसे कंसल्ट कर चुका हूं मैं। इन्होंने आपका टेस्ट किया था, पता लगा कि आप मां बनने वाली हैं। अब
मिस्टर पटेल जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे हमने पता लगाया है कि मिस्टर सक्सेना बाप बन ही नहीं सकते थे और इसी के मुतालिक वो अपना इलाज करवा रहे थे। तो फिर ये बच्चा किसका है? अब समझ में आया। क्या कहते हैं आप मिस्टर मनोज? मगर मिस्टर सक्सेना को मारने की जरूरत क्या थी? अगर ये चाहती तो उन्हें डिवोर्स देकर मनोज के साथ शादी कर सकती थी, अबॉर्शन भी करवा सकती थी। अबॉर्शन ये कराना नहीं चाहती थी और डिवोर्स, डिवोर्स का मतलब मिस्टर सक्सेना की करोड़ों की जायदाद से हाथ धो बैठना। थोड़ी सी जल्दबाजी कर बैठे आप दोनों। अगर मिस्टर सक्सेना को कॉन्फिडेंस में लेते, खैर मिस्टर सक्सेना आप दोनों को माफ करते नहीं करते ये बोलने के लिए तो वो जिंदा नहीं है, लेकिन कानून, कानून आप दोनों को कभी माफ नहीं करेगा।